नोएडा की एक्वालाइन की मेट्रो से दो वीडियो वायरल हुए। पहले वीडियो में भूल भुलैया फिल्म के किरदार में नजर आई एक युवती मंजुलिका के गेटअप में थी, जिसके बिखरे हुए बाल थे और मेट्रो में मौजूद सवारियों के साथ डरावनी हरकतें कर रही थी। वहीं दूसरे वीडियो में मनी हाइस्ट सीरीज के गेटअप में आए एक लुटेरे का था, जिसमें वह दो बैग और मास्क लगाकर पहुंचा है। इन वीडियोज के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग यह दावा करने लगे कि ये लोग मेट्रो कोच के अंदर रील बनाने आए थे। लेकिन जब मेट्रो कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने जांच की तो कहानी तो कुछ और ही सामने आई। पता चला कि एक शूट का हिस्सा थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुए कि नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बताया कि वायरल हो रहे वीडियो एक शूट का हिस्सा थे। ये शूट दिल्ली के एक प्रोडक्शन हाउस ने बोट कंपनी के लिए किया था। नोएडा मेट्रो अपनी फिल्म शूटिंग पॉलिसी के तहत मेट्रो कोच किराए पर देता है। क्रिएटिव प्रोडक्शन नाम की एजेंसी ने 22 दिसंबर को इस शूटिंग के लिए दोपहर 12 से 5 बजे तक शूटिंग की अनुमति ली थी। इसके बदले मेट्रो कॉरपोरेशन ने एजेंसी से धनराशि भी जमा करवाई थी। वीडियो में मंजुलिका गेटअप वाली लड़की की हरकतों से डरकर भागते दिख रहे यात्री भी शूटिंग टीम के सदस्य थे। शूटिंग के दौरान ही किसी ने वीडियो बनाए जो वायरल हुए हैं। ये वीडियो मास्क्ड और एडिटेड हैं।